एक वीडियो जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पर मिसाइलें दागने की घोषणा करते दिख रहे हैं। सोचिए, ऐसा एक नकली वीडियो क्या कुछ करा सकता है। ऐसा एक डीप फेक वीडियो हाल ही में सामने आया। कितना खतरनाक है डीप फेक, इसे कैसे पकड़े, आइए समझते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मार्च 2022 में अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए दिखे। उन्होंने नागरिकों से अपने हथियार डाल देने और रूस के आगे आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार डीप फेक का ऐसा खतरनाक इस्तेमाल सामने आया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी और यूक्रेनी लोगों ने अपनी जनता को ऐसे डीप फेक को लेकर जागरूक करने में काफी बढ़िया काम किया है, लेकिन आसार तो दिख ही रहे हैं कि आगे चलकर उससे भी असली लगने वाली और चीजें जल्दी जल्दी आने वाली हैं। कौन कह सकता है कि अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए आगे चलकर ऐसे और झूठे मीडिया सामने नहीं आएंगे। सच को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किए जाने का खतरा किसी भी देश के अहम नेताओं और मशहूर लोगों पर सबसे ज्यादा है। डीप फेक के हमलों के सबसे ज्यादा निशाने पर तो राजनेता ही होते हैं। कारण यह है कि मीडिया में उनकी तमाम चीजें जैसे वीडियो, फोटो वगैरह पहले से ही रहती हैं। AI मॉडलों को डीप फेक बनाने के लिए यही सब तो चाहिए होता है। सबसे आम तरीका है किसी का चेहरा बदलना। मिसाल के तौर पर पूर्व जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल के चेहरे को बदलकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जैसा दिखाया जा सकता है, या पूर्व अर्जेंटीनियन राष्ट्रपति माक्री के चेहरे पर उस एक्टर का चेहरा लगाना जिसने फिल्म में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का रोल निभाया था। वीडियो में ऐसे कई फ्लैश दिखते हैं जिससे कोई भी इन्हें नकली वीडियो कहेगा। कोई चेहरा किसी और के सिर में कितनी अच्छी तरह से मिल गया है, क्या हर जगह लाइट बराबर दिख रही है, हरकतें ऑडियो से मैच तो कर रही हैं, सिर हिलता है तो क्या झटका सा दिखता है। ऐसी चीजों से पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान की कितनी अच्छी तरह नकल की गई है। आइए देखते हैं कि डीप फेक कितने आगे निकल गए हैं। अमेरिका के MIT सेंटर फॉर एडवांस्ड वर्चुअलिटी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का एक वीडियो बनाया। उनके चेहरे के हाव भाव और आवाज दोनों बदले गए और वो अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मौत पर शोक जताते नजर आए। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन नो दैट देयर इज नो होप फॉर देयर रिकवरी। दे विल बी मॉर्न्ड बाय देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दे विल बी मॉर्न्ड बाय देयर नेशन। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपोलो 11 एक सफल मिशन था। कोई एस्ट्रोनॉट नहीं मारा गया था और निक्सन ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? सबसे बुरा तब होगा जब ऐसे हाई क्वालिटी बिल्कुल असली जैसे डीप फेक बनने लगे कि हम पकड़ ही ना पाए कि वो असली हैं या नकली। अभी दुनिया वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो दिन दूर नहीं। आने वाले समय में हम क्वालिटी के उस स्तर पर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी खबर ये है कि डीप फेक डाल डाल तो उन्हें पकड़ने वाली तकनीक भी डीप फेक को पकड़ने के लिए एल्गोरिदम को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो किसी फोटो, वीडियो या ऑडियो में से ऐसी चीज पकड़ सके जो किसी इंसान की आंखें या कान ना कर सकें। डिटेक्शन का ये तरीका लगातार बेहतर होता जा रहा है, लेकिन किसी मुश्किल स्थिति में केवल इसी पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में संदिग्ध मीडिया को जांचने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। आइडिया ये है कि हम पता लगा पाएं कि कोई मीडिया मटेरियल कहां बना, कहां से गुजरा, कहां उसे बदला गया, ये सब ट्रैक किया जा सके। अभी तो ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी डीप फेक मीडिया के कारण विश्व युद्ध छिड़ जाए, लेकिन जितनी तेजी से तकनीक तरक्की कर रही है, हमारे लिए नकली और असली में फर्क करना सीखना और जरूरी होता जाएगा। आप कर पाएंगे? कॉमेंट करके बताइए।